हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश राज्य का एक खूबसूरत शहर आगरा के बारे में। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आप आगरा शहर की कई ऐसे रोमांचक बातें हैं जिसे आप आसानी से जान सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर चलते हैं आगरा की शानदार सफर में। आगरा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित यमुना नदी के किनारे बसा हुआ एक खूबसूरत शहर है, जो अपने कई खूबसूरत पर्यटक स्थलों के कारण पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। वहीं आगरा शहर ही आगरा जिला और आगरा संभाग का प्रशासनिक मुख्यालय है। आगरा शहर तकरीबन 121 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। वहीं आगरा शहर की आबादी की बात करें तो वर्तमान समय में आगरा शहर की जनसंख्या 23,50,000 के करीब है, जो भारत में 23वां स्थान और उत्तर प्रदेश राज्य में चौथा स्थान रखता है। आगरा शहर में 1,000 पुरुषों पर 875 महिलाएं हैं। वहीं आगरा शहर की प्रत्येक आबादी 1100 प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहती है। उत्तर प्रदेश के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक आगरा शहर अपने ताजमहल के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। आगरा उत्तर प्रदेश राज्य का एक ऐसा शहर भी है जो ताज सिटी, पेठा नगरी, यमुना नगर और ताज नगरी के नाम से पूरे भारत में जाना जाता है। एक सर्वे के अनुसार आगरा शहर उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे ज्यादा खुश रहने वाला शहर भी है। वहीं पूरे उत्तर भारत में आगरा ही एक ऐसा शहर है जहां सावन के दूसरे सोमवार को शिव भक्तों द्वारा सबसे लंबी परिक्रमा की जाती है। इतना ही नहीं, आगरा में राम भारत मेला, कैलाश मेला, ताज महोत्सव और बटेश्वर महादेव मेला पूरे आगरा जिले में मनाए जाने वाली सबसे प्रसिद्ध मेला है। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य के किसी अन्य शहर के मुकाबले सबसे ज्यादा सैलानी आगरा शहर में ही घूमने आते हैं। दिल्ली के बाद आगरा ही पूरे उत्तर भारत का दूसरा एकमात्र ऐसा शहर भी है जहां 10 से भी ज्यादा 5-स्टार होटल मौजूद है। और तो और, वाराणसी के बाद आगरा ही भारत का दूसरा सबसे ज्यादा स्वरोजगार वाला शहर भी है। इतना ही नहीं दोस्तों, दिल्ली के बाद भारत का दूसरा लाल किला आगरा शहर में ही स्थित है, जिसे हम आगरा फोर्ट के नाम से जानते हैं। वहीं पूरे भारत में आगरा ही ऐसा पहला शहर है जिसके पास दो दो एक्सप्रेसवे मौजूद है, जिनमें यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे शामिल है। इसके अलावा आगरा शहर ही देश का पहला और दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा जूते एक्सपोर्ट करने वाला शहर भी है। वहीं आगरा शहर में बहने वाली यमुना नदी को पुराने समय में नील नदी के नाम से जानते थे। वहीं आगरा एक ऐसा शहर है जहां मार्बल की कला और पेठा बनाने की सांस्कृतिक संपदा आज आगरा शहर की पहचान बन गई है, जो यमुना नदी के किनारे बसे होने के साथ साथ आज उत्तर प्रदेश की सबसे विकसित और शिक्षित शहरों में गिना जाता है। वहीं आगरा एक महानगरीय शहर होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला और एक संभाग भी है। आगरा संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, जो इस प्रकार है: आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी। वहीं आगरा जिला 6 तहसीलों में विभाजित है, जिनमें फतेहाबाद तहसील, किरावली तहसील, खैरागढ़ तहसील, बांह तहसील, आगरा तहसील और एतमादपुर तहसील शामिल है। आगरा शहर की कुल आबादी में 81% हिंदू, 15% मुसलमान, 1% जैन, बाकी 3% अन्य समुदाय के लोग रहते हैं। वहीं आगरा शहर उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ से 335 किलोमीटर और देश की राजधानी नई दिल्ली से तकरीबन 243 किलोमीटर दूर है। वहीं आगरा शहर की वाहन पंजीकरण कोड UP-80 है। आगरा शहर से बहने वाली मुख्य नदी यमुना नदी है।
वहीं आगरा शहर की कुल साक्षरता दर 73% है। वहीं यहाँ की शिक्षा संस्थानों को देखें तो आगरा कॉलेज, SBS गर्ल्स कॉलेज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ST जॉन्स कॉलेज, चौधरी वीर सिंह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, नीलम कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, सेठ पीटर्स कॉलेज, राजा बलवंत सिंह कॉलेज, आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज, दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट एवं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी जैसे कई अन्य शिक्षा संस्थान यहाँ पर स्थित हैं। आगरा में बोले जाने वाली मुख्य भाषाएं हिंदी, वज्र, उर्दू एवं अन्य हैं। आगरा शहर को महाभारत काल के समय से ही एक प्राचीन शहर माना जाता है। आगरा शहर को दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम शासक सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 में स्थापना की थी। इनके बाद मुगल बादशाह बाबर ने सन 1526 में आगरा शहर को अपनी राजधानी बनाया और आगरा में कई भव्य इमारतें भी बनवाए, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण ताजमहल था, जिसे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के मकबरे के रूप में बनवाया था। और आज इस इमारत को उनके प्रेम के रूप में पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। वहीं आगरा शहर का नाम एक हिंदी शब्द अगर से हुई है, जिसका अर्थ होता है नमक पान, जो कि इस क्षेत्र के मिट्टी में पाई जाती है। वहीं आगरा शहर का एक और नाम हिंदू इतिहास के संस्कृत शब्द अग्रवन से हुआ है। इसके अलावा आगरा शहर को मुगल काल में अकबराबाद के नाम से जाना जाता था, जिसे शाहजहां ने अपने दादा अकबर के सम्मान में रखा था। वहीं वर्तमान आगरा शहर अपने कई मूल्यवान संसाधन और अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों के कारण पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। वहीं आगरा की पर्यटक स्थलों की बात करें तो यहाँ पर कई खूबसूरत प्राचीन पर्यटक स्थलें देखने को मिलता है, जिनमें ताजमहल, बुलंद दरवाजा, सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, आगरा फोर्ट, जामा मस्जिद, मेहताब बाग, ताज संग्रहालय, वाइल्ड लाइफ सोर्स, मनकामेश्वर मंदिर, मरियम का मकबरा, आराम बाग, किनारी बाजार, ताज नेचर वॉक, स्वामी बाग, बटेश्वर मंदिर, चीनी का रोजा, कोराई विलेज, अकबर का मकबरा, अंगूरी बाग, बालकेश्वर मंदिर, जोधाबाई पैलेस, कैलाश मंदिर एवं पृथ्वीनाथ मंदिर आगरा शहर में देखे जाने वाला प्रमुख स्थान है। वहीं आगरा शहर पहुंचने के लिए आगरा शहर में स्थित आगरा कैंट रेलवे स्टेशन है, जो आगरा जिले का मुख्य रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर आगरा सिटी, आगरा फोर्ट, राजा की मंडी, ईदगाह जंक्शन, यमुना ब्रिज और पतौली रेलवे स्टेशन आगरा शहर की सेवा करने वाली अन्य रेलवे स्टेशन भी है। लेकिन आगरा कैंट रेलवे स्टेशन आगरा जिले का ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। वहीं ये रेलवे स्टेशन भारत के सभी रेल नेटवर्क वाले शहरों से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आगरा अपने सड़क मार्ग के जरिए मुंबई, बदायूं, लखनऊ, भरतपुर, एटा, अलीगढ़, बरेली, जयपुर एवं दिल्ली से सीधे जुड़े हुए हैं। वहीं वायु मार्ग की बात करें तो आगरा शहर में स्थित आगरा हवाई अड्डा है, जो भारत के लखनऊ, भोपाल, बेंगलोर एवं मुंबई से सीधे जुड़े हुए हैं। इनके जरिए आप आगरा शहर आसानी से पहुंच जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके एक बार जरूर बताना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।